आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, पहाड़ समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह और चलिए रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों की तरफ। देहरादून में हरक सिंह रावत की कांग्रेस में वापसी हो गई है। हरक सिंह रावत ने कांग्रेस का दामन थामा है। हरक सिंह रावत को कांग्रेस ज्वाइनिंग लेंस डाउन से प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं। हरक सिंह रावत ने 5 दिन के इंतजार के बाद कांग्रेस में एंट्री कर ली है। साथ ही उनकी बहू अनुकृति भी अब कांग्रेस में शामिल हो गई है। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां पर उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा के प्रत्याशी घोषित होने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह का माहौल है। विधानसभा रानीपुर से भाजपा प्रत्याशी आदेश चौहान के पुनः टिकट मिलने के बाद उनके कैंप कार्यालय पर समर्थकों ने फूलमालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया। साथ ही भाजपा विधायक आदेश चौहान और भाजपा हाईकमान के निर्णय का जोरदार स्वागत भी किया गया। मैं सबसे पहले तो अपने केंद्रीय नेतृत्व का, अपने प्रदेश नेतृत्व का और अपने भारतीय जनता पार्टी के इस रानीपुर विधानसभा के समस्त कार्यकर्ताओं का और इस यहाँ की देवतुल्य जनता का मैं हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। और मेरी पार्टी ने, मेरे संगठन ने मुझ पर पुनः विश्वास जताते हुए और आने वाले 5 वर्षों के लिए रानीपुर क्षेत्र की उस महान जनता की सेवा के लिए दोबारा मुझको अवसर दिया है। उत्तराखंड चुनाव की उल्टी गिनती शुरू होते ही आखिरकार बीजेपी संगठन ने उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों में से 59 विधानसभा सीटों में अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। वहीं प्रत्याशियों के नामों का ऐलान के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। कालाडूंगी विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक और कैबिनेट मंत्री वंशीधर भगत पर पार्टी के तमाम दावेदारों के बीच एक बार फिर से भरोसा जताते हुए इस बार भी उनको कालाडूंगी विधानसभा सीट से बीजेपी का प्रत्याशी बनाया गया है। तो वहीं अपने नाम की घोषणा होते ही वंशीधर भगत के आवास पर तमाम लोग उन्हें बधाई देने के लिए पहुंच गए। मैं अपने प्रदेश पदाधिकारियों का और राष्ट्रीय पदाधिकारियों का धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे दोबारा से अपना स्नेह प्यार देकर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। मैं कोशिश करूंगा कि उनकी उम्मीदों में खरा उतरूं और मैं अपने कार्यकर्ता, अपने क्षेत्र की जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उनके प्यार के कारण ये वातावरण बना कि भगत जी को ही टिकट दिया जाना चाहिए, तो वो केंद्रीय नेतृत्व ने स्वीकार किया। तो मैं उस जनता को, अपने कार्यकर्ताओं को हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसा प्यार दिया। वहीं कल्याण में आप प्रत्याशी इंजीनियर शादाब आलम ने अपने कार्यालय पर पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि हम दिल्ली के विकास के मॉडल को लेकर जनता के बीच आ रहे हैं। दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का काम किया गया है, उसी पर स्वास्थ्य और शिक्षा को बेहतर बनाने का काम आम आदमी पार्टी यहाँ पर भी कर सकती है। बीजेपी और कांग्रेस ने वोटों की ठेकेदारी प्रथा जो है वो प्रचलित कर दी है। ऐसे में अब जनता को ये समझना होगा कि आम आदमी पार्टी ही उनके लिए विकास कर सकती है। वही खबर लालकुआं से है, जहां पर विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन के पहले दिन आज भाकपा प्रत्याशी बहादुर सिंह जंगी ने नामांकन अपना दाखिल किया है। नामांकन के दौरान तहसील परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। प्रशासन ने प्रत्याशियों के साथ उनके 2 प्रस्तावों को भी अंदर जाने की अनुमति दी थी। वही भाकपा माले प्रत्याशी बहादुर सिंह जंगी ने नामांकन दाखिल करने के बाद कहा कि भाकपा माले हमेशा जनता की लड़ाई लड़ती आ रही है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में किसानों की लड़ाई अहम मुद्दा है, इस बार जनता का अपार समर्थन भाकपा माले को ही मिल रहा है। किसान लूटने से बचे और बिंदु खत्ता सहित अन्य जो खत्ते हैं, बनगांव हैं, उनको राजस्व गांव बनाए जाए। गोला नदी में तटबंध बने, बार बार हर वर्ष गोला नदी तबाही मचाती है, लोग यहाँ के लोग बर्बाद होते हैं। सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल से जो प्रदूषण, वायु जल प्रदूषण से जो हजारों लोग जो बीमार हैं और तमाम तरह की बीमारियों से ग्रसित रहते हैं, वायु जल प्रदूषण पर रोक लगे
और जो संघर्ष के बलबूते गौतम समिति बनी थी 1994 में, तो उसको लागू किया जाए, उनको भूमिगत पानी की निकासी पाइपलाइन द्वारा उसकी निकासी हो, तमाम इन मुद्दों पर जो है संघर्ष किया जाएगा। और साथ ही जो सांप्रदायिक फासीवादी उन्माद के खिलाफ, जातिवादी उन्माद के खिलाफ हम जो है विधानसभा में संघर्ष ये करूँगा। नामांकन का और एक प्रत्याशी जो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन के हैं, श्री बहादुर सिंह जंगी, इनके द्वारा अपना नामांकन दाखिल किया गया है और अन्य 4 व्यक्तियों के द्वारा नामांकन पत्र प्राप्त किए गए हैं। जो गाइडलाइंस है वो बड़ी स्पष्ट है कोविड को देखते हुए और भारत निर्वाचन आयोग की, कि 100 मीटर की परिधि के अंतर्गत प्रत्याशी और उनके साथ 2 व्यक्ति यही प्रवेश करने के अनुमन्य होंगे, और इसके अतिरिक्त जो कन्वाय होगा वो अगर एक से अधिक कन्वाय है तो 2 कन्वाय के बीच में आधे घंटे की दूरी होगी। वैसे तारगंज में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी सौरभ बहुगुणा ने पूजा अर्चना कर विधि विधान के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया है। वहीं सौरभ ने कहा कि उन पर पार्टी ने विश्वास जताया है और सितारगंज सीट से एक बार फिर उन्हें मौका दिया है। पिछली बार हम 28,000 मतों से जीते थे, लेकिन इस बार वह रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, हमारे उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का, हमारे संगठन मंत्री जी का, कोर कमेटी के सदस्यों का और हमारे सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने विश्वास जताया कि सौरभ बहुगुणा भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़ सकता है। सारे हमारे पूरे संगठन का धन्यवाद देता हूँ। जहाँ तक आपने बोलिए कि भारतीय जनता पार्टी कितनी सीट जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में 2022 में स्पष्ट रूप से बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है और हम सरकार रिपीट करेंगे। जो मिथ है, मिथक है कि उत्तराखंड में सरकार रिपीट नहीं होती, वो मिथक इस बार भारतीय जनता पार्टी तोड़ेगी। वही चुनाव के मद्देनजर पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। क्षेत्र के सभी अपराधी जो भी गैर कानूनी तरीके से किसी भी काम को कर रहे हैं, ऐसे सभी को चिन्हित कर उन पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। वहीं इसी मामले पर थाना प्रभारी यशपाल बिस्ट ने लक्सर में ये जानकारी दी कि जब से आचार संहिता लागू हुई है तब से अब तक लगभग 160 लीटर अवैध कच्ची शराब, 15 वारंटी, 10 लोगों पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई तथा 12 अवैध असलहे पकड़े गए हैं, जिनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की गई है। लागू हो चुकी है, तो इसलिए हम अवैध शराब और अन्य कार्रवाई हम कर रहे हैं। तो इस कार्रवाई में अब तक हम लोगों ने जो है 17 केस पकड़े हैं शराब के, जिसमें हमने लगभग अब तक 160 लीटर शराब अवैध कच्ची बरामद करी है और अन्य कार्रवाई में 15 वारंटी पकड़े हैं और 10 लोगों पर गुंडा एक्ट लगाई है। वहीं गढ़वाल में जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने कलेक्ट्रेट कक्ष में 26 जनवरी को आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की तैयारी के लिए बैठक ली है। उन्होंने कहा कि आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में कोविड-19 गाइडलाइन का अनुपालन करना आवश्यक है। साथ ही उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सीमित संख्या में झांकियों का आयोजन करना सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने नगर पालिका अधिकारी को निर्देशित किया कि सार्वजनिक जगहों पर 25 और 26 जनवरी को लाउडस्पीकर के माध्यम से देशभक्ति गीतों का प्रसार करें। बारे में भी हमने आज बैठक किया है, रिपब्लिक डे के तैयारी को लेकर भी हमने समीक्षा बैठक किया, साथ में जितने भी हमारे अब विभाग होंगे उनके द्वारा हमने अवगत करा दिया है कि 9:30 26 तारीख को 2019 का कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा। समस्त कार्यालय अध्यक्ष अपने अपने कार्यालय में संपन्न करेंगे। इसके साथ साथ में 25 तारीख को और 26 तारीख को धीमी आवाज़ में जो है देशभक्तिपूर्ण गीतों का जो है संपन्न किया जाएगा। सभी चौराहों पर सभी जो महानुभाव व्यक्ति होंगे जिनके मूर्ति स्थापित है उनको साफ सफाई करने के लिए मैं नगर पालिका को निर्देश दिया हुआ है। विशेष रूप से हमने ये ध्यान रखा कि इस बार कोविड का अनुपालन हो और हर ऐसे कार्यक्रम स्तर पर जो है कोविड की एक टीम वहाँ पर तैनात रहे ताकि वैक्सीनेशन का भी कार्यक्रम साथ साथ में हो सके। परेड का भी कार्यक्रम जो किया जाएगा उसमें पुलिस लाइन में इसका आयोजन किया जाएगा। SSP साहब के साथ में इसके बारे में चर्चा हुई है और साथ में जो विभागीय अधिकारी होंगे वो अपने विभाग की झांकी भी उसमें प्रस्तुत करेंगे। झांकी की संख्या जो होगी वो थोड़ा नियंत्रित करने का निर्देश दिया गया है और उसमें जो प्रतिभागी होंगे उनको भी निर्देश दिया कि उनकी संख्या भी सीमित मात्रा में रखी जाए।
विकासनगर तहसील क्षेत्र में वन भूमि हो या फिर ग्राम समाज की सरकारी जमीनों पर भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जे आए दिन सुर्खियों में है। विन्हार पश्चिम के ग्राम पंचायत पड़ियान के नरोपुल के समीप वन विभाग की भूमि का भूमाफियाओं द्वारा आचार संहिता की आड़ में वन भूमि पर वन विभाग लांगा रेंज व प्रभागी वन अधिकारी कालसी द्वारा संयुक्त रूप से कब्जा करने का दावा किया गया है। वहीं शिकायतकर्ता नरेश कुमार तोमर द्वारा वन विभाग के अधिकारियों तक उस वक्त की कब्जे की शिकायत की गई है। सर मेरे जमीन से लगा हुआ है मसला ना, ये नीचे मेरी भी जमीन है और उसके आड़ में ये जो उसका बगीचा है वहाँ आम का, ये इन्होंने बेचा है किसी को, देहरादून की कोई पार्टी है उसको बेचा है और उसने उसके आड़ में ये 2 बीघे जमीन जो रिजर्व फॉरेस्ट की है इसको भी कब्जा किया है और इसमें जो है मेरे द्वारा 2020 से कार्रवाई की जा रही है, लेकिन DFO कालसी के द्वारा कोई भी इसमें संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, जबकि मैंने सारे वन विभाग से लेकर शासन तक के जितने भी अधिकारी हैं उच्च अधिकारी हैं उनको कार्रवाई के लिए लिखा है और अभी कार्रवाई में है सारा मैटर, लेकिन उसके बावजूद भी 17 तारीख को ये लोग रात को 12 बजे वहाँ पे गेट लगाते हैं और वन विभाग का वो रास्ता है, वन विभाग वहीं से अपने ड्यूटी के लिए जाते हैं, कालसी कार्यालय वन प्रभागीय वन अधिकारी का कार्यालय यहाँ से 5 किलोमीटर और 5 ही किलोमीटर यहाँ से रेंज कार्यालय है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कब्जा ऐसा लग रहा है कि वन विभाग खुद भू माफिया से मिलकर ये कब्जा करवा रहा है। इस पपड़ियांग के प्रकरण की आप बात कर रहे हैं, उस पपड़ियांग में जो झोपड़ी बनी है वो मेरे आने से पूर्व बन चुकी थी, उस समय पूर्व वन क्षेत्राधिकारी द्वारा भी प्रभावदार को अवगत कराया गया है, वो जमीन में कुछ रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा पट्टे काटे गए हैं, वो 4.10 एकड़ की जमीन है टोटल, उसमें 2 एकड़ वन विभाग के नाम दर्ज है। हमने SDM को भी प्रभागीय द्वारा भी SDM को पत्र लिखा है कि आप हमारी 2 एकड़ जमीन हमको दे दीजिए और जो पट्टे आपके काटे हैं उनको बता दीजिए ये किस चीज पर काबिज लोग हैं, तो उस संबंध में हमारे द्वारा कार्रवाई की जा रही है और जो इनके द्वारा गेट लगाया गया है इसके संबंध में उनको अवगत कराया है कि जब तक इस प्रकरण का निस्तारण नहीं हो जाता आप इस प्रकार की कार्रवाई ना करें। सुल्तानपुर में इस वक्त लोग नशे का शिकार हो रहे हैं और इसी कड़ी में अब युवाओं को तबाह कर रहा है जो नशा है, इसको लेकर अब ड्रग इंस्पेक्टर का बयान जारी किया गया है। आपको बता दें कि सुल्तानपुर में जो इस वक्त युवा हैं उनकी ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, किस प्रकार से जो युवा हैं वो नशे की जद में आते जा रहे हैं, ऐसे में कड़ी कार्रवाई करने की बात जो है वो ड्रग इंस्पेक्टर की तरफ से की गई है। हमारे सुल्तानपुर पट्टी और जिला उधम सिंह नगर में जो नशे का कारोबार बढ़ता जा रहा है, हमारे युवा नशे में बहुत ज्यादा लिप्त होते जा रहे हैं, क्योंकि किसी भी देश का भविष्य और देश की तरक्की देश के युवाओं पर टिकी होती है, देश की युवा पीढ़ी अगर गलत रास्ते पर चले जाए तो निश्चित तौर पर उनका जीवन अंधकार में चला जाता है। मैंने इसी चीज़ को मुहिम को लेकर के हमारा देश, हमारा युवा, हमारा सुल्तान पट्टी का नागरिक अगर इस लत में चला जाएगा तो हमारा देश बर्बाद हो जाएगा, तो मैंने जन जागरूकता रैली के माध्यम से भी कई बार पहले भी और अब मैंने जो है फ्लैक्स के माध्यम से नेशनल हाईवे पर एक फ्लैक्स लगाया है उसके माध्यम से भी सुल्तान पट्टी की जनता को जताने के लिए और आपके प्राइम टीवी के माध्यम से भी मैं अपनी सुल्तान पट्टी की जनता को जगाना चाहता हूं कि ये जो है नशे की लत से युवा दूर जाएं, नहीं तो ये देश बर्बाद हो जाएगा, उनका घर बर्बाद हो जाएगा। और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया के बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।